दोस्तों चैम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्स एजुकेशन में आज हम अबेकस लेवल टू क्लास थ्री में सीखेंगे प्लस थ्री एंड प्लस थर्टी का कॉन्सेप्ट। पहले हमने दो वीडियोस में हमने प्लस फोर एंड प्लस फोर्टी का कॉन्सेप्ट सीखा था। आशा करते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बस एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं उनको आपको याद करना है और साथ साथ आपको उनके क्वेश्चंस करने हैं। आज हम दोनों के आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट यानी हमारा रिवीजन भी चलता रहेगा और आगे के कॉन्सेप्ट भी चलते रहेंगे। पहले आज हम सीखेंगे प्लस थ्री का कॉन्सेप्ट, तो स्टार्ट करते हैं प्लस थ्री। तो दोस्तों जैसे हमने पहले आपको बताया कि हमारी फैमिली है फैमिली ऑफ फाइव, इसको आप कभी भी मत भूलिएगा, फैमिली ऑफ फाइव। तो फाइव हमारा बड़ा फैमिली मेंबर जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले हम एक रिवीजन ले लेते हैं पिछले क्लास की। तो पहले हमारा था प्लस फोर प्लस फाइव माइनस वन राइट, एंड प्लस फोर्टी प्लस फिफ्टी माइनस टेन। ये दो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे थे। हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम साथ साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करते रहेंगे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट ले लेते हैं प्लस थ्री प्लस फाइव माइनस टू। अब देखिए प्लस थ्री के साथ पहले प्लस फाइव यानी बड़ा फैमिली मेंबर आया और टू उसका फ्रेंड है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। जैसे हमने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि फोर का फ्रेंड वन, थ्री का फ्रेंड टू, टू का फ्रेंड थ्री एंड वन का फोर होता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है थ्री, थ्री का फ्रेंड उसका टू होता है, तो इसलिए हम टू को माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लेते हैं प्लस थर्टी प्लस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट आज लिया। आज हम इस कॉन्सेप्ट को पहले इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम मिक्स कॉन्सेप्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहले अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, स्पीच और व्हाट स्मॉल क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, 3 प्लस 3, 4 प्लस 3, 5 प्लस 3, 6 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अभी हम पहले ये क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम यही सीधा टेंस प्लेस पर भी लेंगे। 10 प्लस 30, 20 प्लस 30, 30 प्लस 30, 40 प्लस 30, 50 प्लस 30 एंड 60 प्लस 30। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस आज पहले अबेकस पे करेंगे, उसके बाद हम फिंगर टेक्निक से भी करेंगे। तो सबसे पहला आपने क्वेश्चन लिया है वन, आपको पता है वन्स प्लेस पर हम वन्स को इसको यूज करते हैं, वन्स प्लेस है हमारा। तो वन और थ्री ऐड करेंगे तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, तो इसमें फोर लगा दिया, सिंपल एडिशन है, तो हमारा फोर आंसर आ गया। उसके बाद देखिए जो टू है, अब टू के लिए हमें थ्री ऐड करना है, बट हमारे पास थ्री नहीं है तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे प्लस फाइव माइनस टू, तो हमारा आंसर आ गया फाइव। इसी प्रकार हमने इसको जीरो करा, फिर से हमने थ्री लिया, थ्री में आपको थ्री ऐड करना है, फिर से हमारे पास थ्री नहीं है, हमने प्लस फाइव माइनस टू कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया सिक्स। ठीक है दोस्तों, अब हमने फाइव फोर लिया है, फोर में आपको थ्री ऐड करना है, फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्लस फाइव टू, सेवन आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने फाइव फाइव लिया, बट अभी हमारे पास यहाँ थ्री है तो हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है और हम थ्री ऐड कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब हमारे पास उतनी बिट्स ना हो, एट। ठीक है, अब फिर से हमने वही सिक्स लिया, फिर से देखिए दोस्तों यहां कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली जो हमारा पहला, ये हमारा रिवीजन भी चल रहा है, हमने पहले सिंपल एडिशन अपने अबेकस लेवल वन क्लास सिक्स क्लास की वीडियो बनाने लगाई थी, जिसके अंदर हमने आपको सिखाए थे सिंपल एडिशन, तो यहां पर सिंपल एडिशन भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे मिक्स क्वेश्चंस, हमारे पिछले सारा रिवीजन हमारा साथ साथ होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस प्लेस पर। तो यहां पर हमने 10 ले लिया, 1 0 10, अगेन हमने 30 ऐड किया इसके अंदर,
तो हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, फिर आगे 20, ठीक है दोस्तों 20। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो आपको वही कॉन्सेप्ट प्लस 50 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 50। अब देखिए 30 है, 30 कैसे लेंगे, 30 30, फिर आपने कॉन्सेप्ट लगाया प्लस 50 माइनस 20, तो हमारा आंसर आ गया 60, ठीक है। अगेन हमने 40 एंड 30, तो हमने 40 ले लिया यहां पर आप देख रहे हैं, और 30 ऐड किया प्लस 50 माइनस 20, तो यहां हमारा आंसर आ गया 70, ठीक है दोस्तों। 50 प्लस 30 50, अब आपको पता है 50 आ गया है, 50 50, अगेन 30 हमें ऐड करना है, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये हमारा पुराने वाला रिवीजन हो रहा है, तो इसमें हमने 80 लिख दिया, 80 आ गया। अगेन हमने 60 प्लस 30 हमें डायरेक्टली करना होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 90। फटाफट हम एक रीकैप कर लेते हैं जल्दी से, फिंगर्स के ऊपर हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है वंस हमारा राइट साइड में होता है और टेंस लेफ्ट साइड में होता है, तो ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 3 4, आंसर 4 आ गया, +2, अब इसके अंदर हमें 3 ऐड करना है, +5 -2, हमारा आंसर 5 आ गया। अगेन 3 हमारे पास है, हमें फिर से कॉन्सेप्ट लगाना है, +5 -2 6 आ गया। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ साथ करिए, 4 में हमें 3 ऐड करना है, तो हमें फिर वही +5 -2 करना होगा, 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। 5 में हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होगा, 3 ऐड करना होगा, तो 8 आ गया हमारा आंसर। अगेन हमने 6 प्लस 3 6 प्लस 3 में हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर 9 आ गया। अब हम दोनों ऐड से करेंगे, क्योंकि ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा वंस प्लेस है, 1 यानी 10 3 प्लस 30 यानी 30, तो 40 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 5 50 माइनस 20, जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है, 30 में हमें फिर से 30 ऐड करना है, तो +50 -20 60 हमारा आंसर आ गया। अगेन 40 प्लस 30 के लिए +50 -20 70 हमारा आंसर आ गया। अगेन 50 प्लस 30 50 प्लस 30, तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर 80 आ गया। अगेन 60 प्लस 30 90 90 90, तो हमारा आंसर 90 आ गया। आप देख रहे हैं यहां तक ये बेसिक चीज है जो हमने स्टार्टिंग हम हमेशा आपको बताते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिसमें आपको प्लस 3 ऐड करना, एक बार फिर से हम बताएंगे, मिक्स क्वेश्चन लेंगे हम इसमें, पहला वाला कॉन्सेप्ट प्लस 4 और नया कॉन्सेप्ट प्लस 3। कुछ क्वेश्चन लिए 2 3 एंड 4, अब हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, 2 3 4, सबसे पहले वही वंस प्लेस पर हमने 2 ऐड किया, उसके बाद हमने 3 ऐड करना, 3 ऐड करने के लिए +5 -2 एंड अगेन 4, तो हमारा आंसर आ गया 9, तो हमने यहां पर लिखा 9, ठीक है, 3 4 2। अब नया क्वेश्चन है 3 4 2, पहले हमने 3 ऐड किया, 4 ऐड करने के लिए हमें +5 -1, हमें पिछला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा 4 वाला, तो हमारा आंसर आ गया 7, अगेन 2 हमने डायरेक्टली ऐड किया, तो यहां पर आ गया 9। अब 4 3 एंड -5, दोस्तों हमने 4 ले लिया, 4, 3 का कॉन्सेप्ट लगाइए, +5 -2 एंड -5 -5 हम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। अब है 3 3 एंड 3, तो देखिए 3 के लिए सबसे पहले हमने 3 को ओपन किया, ऊपर किया, फिर हमने कॉन्सेप्ट लगाया 3 का, +5 -2 6 आ गया, एंड अगेन 3 ऐड करा, तो यहां पर हमारा आंसर फिर से आ गया 9, ठीक है। 3 3 2, इसी तरीके से हमने 3 3 2 को किया, सबसे पहले हमने 3 ऊपर किया, ठीक है, फिर 3 पे कॉन्सेप्ट लगाया +5 -2 एंड 2, तो हमारा आंसर आ गया 8। अब आगे 4 4 एंड 6, ठीक है, तो 4, अगेन 4 का कॉन्सेप्ट हमने पहले लगाया +5 -1, तो 8 आ गया, और 6 माइनस कर दिया हमने, 6 यहां से माइनस किया, तो हमारा आंसर आ गया 2। 5 4 -7 5 4, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो हम नहीं लगाएंगे, 7 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 2।
टू फोर थ्री अगेन टू, अब इसमें फोर का कॉन्सेप्ट भी है थ्री का भी है, तो देखिए प्लस फाइव माइनस वन ठीक है, बट थ्री का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा, थ्री को डायरेक्टली कर लेंगे हम, तो आंसर आ गया हमारा नाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर के क्वेश्चन हमने कर लिए सिंगल डिजिट में, अब हम डबल डिजिट में जाएंगे 42, 34, 21। तो सबसे पहला हमारा है 42, अगेन 34, 30 का कॉन्सेप्ट लगाइए यहां पर, प्लस 5 प्लस 50 माइनस 20, एंड 4 का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाइए प्लस 5 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ गया 72, 21। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट लगाया 21, तो हमारा आंसर आ गया 97। 34, 40, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। 34, अब अगेन 34, 40 का कॉन्सेप्ट लगाइए प्लस 5 प्लस 50 माइनस 10 एंड माइनस 52, तो माइनस 52 आंसर आ गया 22। अगेन 44, तो 44 के लिए दोनों डबल फोर को हमें ऊपर करना पड़ेगा दोनों साइड से, 33 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, प्लस 50 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 2, तो 77 माइनस 20, माइनस 20 के लिए हमें सिर्फ यहां से टू डिजिट नीचे करनी होगी, तो हमारा आंसर आ गया 57। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं 30, अगला क्वेश्चन है 30, 45 माइनस 25, तो यहां पर हमने 30 को ऊपर कर दिया है, 40 का कॉन्सेप्ट लगाइए यहां पर पहले, क्योंकि जीरो है यहां पर तो कुछ नहीं करेंगे, 45, 40 के लिए प्लस 50 माइनस 10 एंड यहां पर 5 ऐड कर देंगे, 45 क्योंकि 45 है, 40 के लिए कॉन्सेप्ट लगा दिया, 5 को डायरेक्टली ले आए, माइनस 25, माइनस 25 डायरेक्टली हमने माइनस 25 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 50। अगेन नया क्वेश्चन लेते हैं 33, 40 के लिए प्लस 50 माइनस 10 एंड अगेन माइनस 21 है, तो यहां पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 21, तो हमारा आंसर आ गया 52। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आगे बढ़ा ले लेते हैं 42, 35, 22 22 लगा दिया हमने यहां पर, तो आंसर आ गया हमारा 99। आगे चलते हैं 57, 57, 22 यहां पर 20 एंड 2, 22 और अगेन फिर 20 है, तो यहां पर हमने 20 ले लिया, तो हमारा आंसर अगेन 99 आ गया। नया एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, 40, 30, तो यहाँ 20 ले लिया हमने, 40 के लिए फिर से कॉन्सेप्ट लगाया हमने एंड 30 के लिए हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तो हमारा आंसर आ गया 90। ठीक है दोस्तों, अब हम यही क्वेश्चन फिंगर टेक्निक से जल्दी से कर लेते हैं, एक बार हमारा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, 3 एंड 4, तो सबसे पहले 2, 3 ऐड करेंगे प्लस 5 माइनस 2 एंड 4, तो हमारा आंसर आ गया 9। देखिए हमारा आंसर 9 आ गया। आगे 3, 4 एंड 2, फिर से 3, 4 के लिए कॉन्सेप्ट लगाइए प्लस 5 माइनस 1 एंड 2, तो हमारा आंसर अगेन 9 आ गया। देखिए 9 है वहां पर, 4, 3 माइनस 5, 4, 3 के लिए कॉन्सेप्ट लगाइए प्लस 5 माइनस 2 एंड अगेन माइनस 5, माइनस 5 कर दीजिए तो आंसर 2 आ गया। देखिए वहां पर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3, 3, 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 3 के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा प्लस 5 माइनस 2 एंड अगेन 3, तो हमारा आंसर आ गया 9, तो वहां पर 9 लिखा हुआ है। 3, 3 एंड 2, 3 प्लस 5 माइनस 2 3 के लिए एंड 2, तो हमारा आंसर 8 आ गया, 8 लिखा हुआ है। 4, 4, 6, 4, 4 के लिए फिर कॉन्सेप्ट लगाइए प्लस 5 माइनस 1 एंड माइनस 6, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, 5, 4 माइनस 7, 5, 4 माइनस 7, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, ये डायरेक्ट हो गया। फिर अगेन 2, 4, 3, 2, 4, 4 के लिए हमने कॉन्सेप्ट लगाया प्लस 5 माइनस 1 एंड 3, तो हमारा आंसर आ गया 9, 9। अब हम फटाफट टू डिजिट के लिए 42, 42, 34, 30 के लिए कॉन्सेप्ट लगाया हमने
50 minus 20 and 4, 50 minus 1, for 5 minus 1. तो हमारा आंसर आ गया 76, ठीक है? उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट लगाया 21 डायरेक्टली ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया 97, ठीक है? आगे चलते हैं 40 के कॉन्सेप्ट लगाइए, प्लस 5 माइनस 10 एंड माइनस 52 कर दीजिए, तो आंसर आ गया 22. आगे चलती है 44, 33, 30 के लिए वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया, प्लस 50 माइनस 20 एंड यहाँ पर प्लस 5 माइनस 2 और माइनस 20, तुम्हारा आंसर आ गया 57. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 के लिए हमने कॉन्सेप्ट लगाया, प्लस 50 माइनस 10 एंड यहाँ 50, इसके बाद माइनस 25, तो माइनस 25 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 50, ठीक है? 33, 40 प्लस 50 माइनस 10 एंड माइनस 21, तो आंसर आ गया 52. आप देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है 42. 30 के लिए कौन से लगाइए, प्लस 50 माइनस 20 एंड 5 और 22, तो आंसर आ गया 99. आगे चलते हैं 57 22 एंड अगेन 20, तो यहाँ 99 आंसर आ गया हमारा. आगे चलते हैं 40 के लिए प्लस 50 माइनस 10 एंड 30, तो आंसर आ गया 90, तो यहाँ पर आ गया 90. तो दोस्तों ये आज हमने सीखा प्लस 3 का कॉन्सेप्ट प्लस 4 के साथ रिवीजन के साथ. तो हमारा जो भी हमारी क्लास होगी उसमें रिवीजन साथ के साथ आपका चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों? आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम आपके लिए एक टेस्ट बना देते हैं, वो टेस्ट आप घर पर करके देख सकते हैं. तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने एक टेस्ट तैयार किया गया है. टेस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्लस हमारे जो पीछे के कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बनाकर दिए हैं. इसमें आपका दोनों कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, ठीक है दोस्तों? आप अपने कॉपी में इसको उतारकर अपने रजिस्टर में जहाँ पर भी आप अपना वर्क करते हैं उसमें उतारकर आप इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं. तो अभी तक आपने देखा कि आपने प्लस 4 एंड प्लस 3, प्लस 40 एंड प्लस 30 दो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए. तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए. कोई भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप उसमें चेक कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट भी हमने वहाँ पर लिखे हैं, कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिए हैं. तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें टाइप करके बताएं कमेंट बॉक्स में. लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. हमारे पहले वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने लाइक किया है और शेयर भी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बस हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से घर बैठे अबैकस को सीख सकें और अपना टाइम पास कर सकें. इससे आपको नॉलेज भी मिलती है और आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है. आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं. तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही. आगे के लिए फिर से हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपको जल्दी. थैंक यू.